हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कूल टाइम। आज हम सांख्यिकी के टॉपिक मादे, मादिका और बहुलक निकालना सीखेंगे। मादे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मादे का सूत्र लिखेंगे। मादे बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब इस एग्जाम्पल में हम इनको योग कर लेंगे, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। अब टोटल संख्या है कितनी है वो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इनका योग आएगा 32 / 8 = 4। तो इनका मादे आएगा 4। मादे का निकालने के लिए हम इनको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 5 6 7 9। अब हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ये n बराबर है यहाँ रहे 7। अगर संख्याएं सम हैं तो हम n बाय 2 करेंगे और सम। अगर संख्या विषम है तो n प्लस 1/2 करके इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पे 7 विषम है तो 7 + 1/2 = 4। तो यहाँ पे जो 4 नंबर की संख्या होगी ना, वही इसकी मादिका होगी, 1 2 3 4 5। और इसके लिए हम वो भी कर सकते हैं, जैसे एक संख्या और ले लें इसमें 7 5 3 6, जैसे ये 4 संख्या हैं तो इनमें हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, 3 5 6 7। ये संख्याएं 4 सम हैं तो ये करेंगे n/2, 4/2 = 2, तो 5। इसका 5 मादिका होगा। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को काउंट करेंगे कि कौन सी कितनी बार आई। यहाँ 1 1 बार आया, 2 2 बार, 3 3 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, 9 1 बार। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी ना, वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ बहुलक बराबर होगा 3।